हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष कुमार वर्मा। आज का ये वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों में से बहुत लोग पूछ रहे थे ये क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या था कि सर, अपना ASRB नेट का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे हम लोग डाउनलोड करें। तो आपको मैं बता दूँ कि जैसे अभी इस साल ASRB नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और आने वाले कुछ दिनों में ASRB के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन भी डाल ही दी जाएगी फॉर डाउनलोडिंग सर्टिफिकेट। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो सर्टिफिकेट है वो आपको ASRB के जो मेन्स की वेबसाइट है ASRB.org.in, आपको इस वेबसाइट पे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं करना है। डाउनलोड कहाँ से करना है मैं आपको बताऊँ, एक आपका DigiLocker ऐप है, आपको उसी पर करना है। ओके, तो ये जो DigiLocker ऐप है इसको कैसे हम लोग एक्सेस करें, कैसे इसको करना है, सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगा आपको। तो यदि आपके पास यदि DigiLocker ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके DigiLocker ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसको करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है। तो अभी तक जो ASRB नेट के सर्टिफिकेट्स रिलीज्ड हुए हैं, जैसे ASRB नेट 2018 जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सर्टिफिकेट है एंड 19 का, उसको मैं दिखा दूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। ओके, इसी तरह से आपका जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ है आप उसका भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि कैसे अपना आप ASRB नेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है कि आपको DigiLocker ऐप को इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपका प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है DigiLocker ऐप। तो जैसे आप यहाँ पर, जैसे मैंने पहले से सर्च कर रखा है DigiLocker ऐप, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको सबसे पहला जो ऐप दिखाई दे रहा है इसी को आपको इंस्टॉल करना है। खैर, मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो डायरेक्टली हम DigiLocker पे ही क्लिक करते हैं। ये रहा DigiLocker ऐप, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ा है, लेकिन आपको जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा, उसके बाद आप साइन इन कर सकते हो। ओके, लॉगिन करने से पहले आपको साइन अप करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए होम, इश्यू डॉक्यूमेंट्स, ड्राइव, स्कैन QR कोड, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे ना। तो ये जो आपका होम वाला आपका स्क्रीन है, ये आपका होम स्क्रीन है पूरा जो दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो 27 व्यू ऑल 27 ऑर्गेनाइजेशंस, इसके आइकॉन आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसमें स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो आपका आइकॉन है ये दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपको दिखेगा, और इसमें यहाँ पर एक नोटिस दे रखा है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड इज नाउ इंटीग्रेटेड विद DigiLocker टू पब्लिश डिजिटल मार्कशीट एंड रिजल्ट्स फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 1 and 2 फॉर द ईयर्स ऑफ 2019। कंसर्न पार्टिसिपेंट एंड स्टूडेंट्स कैन गेट द सर्टिफिकेट ऑन दियर DigiLocker अकाउंट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से यहाँ पर जैसे 2019 लिखा हुआ है ना, तो 2021 का जो रिजल्ट है अभी जो जारी हुआ है ASRB नेट का, उसका भी जो आपका है, मैं बता दूँ कि सर्टिफिकेट आपको DigiLocker पे ही मिलेगा। ओके, तो फाइनली अब आपको ये जो मेरिट सर्टिफिकेट ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, आप देखो याद रखिएगा ये जो आधार कार्ड का नेम आपको दिख रहा है ना, आधार नेम, तो जब आप पहली बार DigiLocker में साइन अप करोगे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको आधार कार्ड पे जो नेम है वो भी देना पड़ेगा और अपना आधार नंबर भी देना पड़ता है। तो वहीं से ये आपका जो है आधार नेम शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको जो अपना रोल नंबर है इसमें आपको इंटर करना है, और जो आपके आपका ASRB जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका रोल नंबर दिया हुआ होगा उसको आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, किस ईयर का आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो अभी तक यहाँ पर नेट फर्स्ट 2018, नेट सेकंड 2018 एंड नेट 2019 का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अपना रोल नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट
डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे, और इस पर आप क्लिक कर दीजिए, फिर आपका डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड जब होगा तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पे आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हो इश्यू डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाउनलोड किया है ना, तो ये आपको दिख गया, और इस पर मैं क्लिक करके अपना देख सकता हूँ। तो ये है मेरा सर्टिफिकेट, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अपडेट फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए। और कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।